3 बजे खेला जाएगा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 33। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान सर रविंद्र जडेजा ने घोषित की अपनी खतरनाक प्लेइंग 11। दोनों टीमों में हुए कई बड़े बदलाव, बदलावों के बाद बनेगी ये टीम सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के 33वें मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जहां पर दोनों टीमों में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, साथ ही हम जानेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की, और साथ ही इस आईपीएल 2022 में उन खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे जो इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में उतरे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्दी इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक यानी महामुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान सर रविंद्र जडेजा ने भी अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो मुंबई इंडियंस की टीम भले अब तक आईपीएल 2022 में एक भी मुकाबला अपने नाम पर नहीं कर पाई, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम अब तक आईपीएल 2022 में अपना जीत का खाता भी नहीं खोल पाई है, लेकिन हम हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 32 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19 मुकाबलों को अपने नाम पर किया है, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मात्र 13 ही मुकाबले जीत पाई है। यानी कि यहाँ पर एक तरफा पलड़ा मुंबई इंडियंस की टीम का भारी रहा है आईपीएल के इतिहास में। लेकिन हम बात करें यहाँ पर आईपीएल 2022 में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अब मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी अब तक काफ़ी ख़राब नजर आई है। गेंदबाजी में हम जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो बाकी सभी गेंदबाज इस टीम की तरफ से खामोशी नजर आई है। यानी कि इस टीम की खराब गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वजह से इस टीम को लगातार 6 हारों का सामना करना पड़ रहा है, और पॉइंट टेबल में भी फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम आखिरी पायदान यानी कि नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं पर दोस्तों, बल्लेबाजी की हम बात करें तो इस टीम की बल्लेबाजी भी काफ़ी ख़राब रही है, खास करके इस टीम के ओपनर खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। रोहित शर्मा अब तक अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं उतरे हैं, तो ईशान किशन ने भी कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं उतर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस टीम को लगातार हारों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिवोर्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा इस टीम की तरफ से कुछ हद तक अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन ये भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से रोहित शर्मा, ईशान किशन, डिवोर्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, फेबियन एलन को अच्छी पारियां खेलनी होगी, तभी यह टीम मुकाबले को जीत सकती है। वहीं पर फेबियन एलन को यहाँ पर टीम के लिए शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका निभानी होगी। वैसे यहाँ पर देखें तो टीम के पास कई बड़े ऐसे नाम मौजूद है जो अब तक कमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वह अपनी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं उतरे। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो इस टीम की भी बल्लेबाजी कुछ हद तक अच्छी रही है, लेकिन खराब गेंदबाजी की वजह से इस टीम को भी लगातार 5 हारों का सामना करना पड़ा है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी अब तक आईपीएल 2022 में सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है, और वहीं पर पॉइंट टेबल में भी फिलहाल ये टीम आखिरी पायदान यानी कि नंबर 9 पर मौजूद है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में लगातार मतलब पॉइंट टेबल में लगभग बराबरी पर ही चल रही है। यहाँ पर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो इस टीम की बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, रॉबिन उत्तपा, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे बड़े नाम इस टीम के पास मौजूद है, लेकिन इस टीम के बल्लेबाज कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, लेकिन गेंदबाज इस टीम की तरफ से काफ़ी खामोश नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी में इस टीम की तरफ से महेश तीक्ष्णा, रविंद्र जडेजा, डीजे ब्रावो को छोड़कर बाकी सभी डेथ ओवर के गेंदबाज अब तक खामोशी नजर आए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अच्छी फॉर्म में उतरना होगा, तभी ये टीम मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले के लिए यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रॉबिन उत्तपा। ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम की तरफ से काफ़ी अच्छी फॉर्म में उतर चुके हैं, तो वहीं पर रॉबिन उत्तपा ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि इस टीम के ये ओपनर खिलाड़ी टीम के लिए अच्छी ओपनिंग देंगे। तो नंबर 3 पर मोइन अली उतरेंगे, नंबर 4 पर अंबाती रायडू उतरेंगे, तो वहीं नंबर 5 पर टीम के कप्तान सर रविंद्र जडेजा उतरेंगे, तो नंबर 6 पर शिवम दुबे, वहीं नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी में खेलते हुए
देखेंगे जो अब तक टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो वहीं नंबर 8 पर डीजे ब्रावो उतरेंगे, तो नंबर 9 पर क्रिस जॉर्डन हमें खेलते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 10 पर मुकेश चौधरी उतरने वाले हैं, तो नंबर 11 पर महेश तीक्ष्णा इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि ये टीम बिना बदलावों के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरने वाली है। तो वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 में हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन। रोहित शर्मा अब तक अपनी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं उतर पाए, तो इन दोनों ओपनरों को यहाँ पर टीम को शानदार ओपनिंग देनी होगी, तभी ये टीम मुकाबला जीत सकती है। तो वहीं नंबर 3 पर डिवोड ब्रेविस उतरेंगे, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, तो नंबर 5 पर किरण पोलार्ड में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 6 पर तिलक वर्मा उतरेंगे, तो नंबर 7 पर इस टीम की तरफ से ऑलराउंडर फेबियन एलन उतरेंगे, तो नंबर 8 पर अर्जुन तेंदुलकर उतरने वाले हैं। वहीं नंबर 9 पर मयंक मारकंडे उतरेंगे, तो नंबर 10 पर जयदेव उनादकर, तो नंबर 11 पर इस टीम की तरफ से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह में खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि इस टीम के पास भी कई बड़े नाम ऐसे शामिल है जो टीम के लिए कमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों टीम में काफ़ी शानदार फॉर्म में दिख रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम का पलड़ा भारी रह सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।